हे गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज, आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं, यह हम सभी के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप सेफ्टी ऑफिसर के तौर पे जॉब कर रहे हैं तो ये आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और अगर आप स्टडी कर रहे हैं फिर भी ये जानें, क्योंकि फ्यूचर में आपको ये काम आने वाला है। क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है कि हर एक सेफ्टी ऑफिसर को कभी ना कभी करना ही पड़ता है अपने जॉब साइट पर। तो अगर ये पहले से आप जान के रखेंगे तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो आइए देखते हैं हम किस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज हीरा, हीरा किसे कहते हैं, इसके बारे में डिटेल में जानेंगे हम। सेकंड है स्टेप्स ऑफ हीरा, यानी हीरा को परफॉर्म करने के लिए हमें किन किन स्टेप्स को फॉलो करना होगा, इनके मेथड्स क्या हैं, इसके बारे में जानेंगे हम। नेक्स्ट है रिस्क मैट्रिक्स, इसके बारे में मैंने पहले भी वीडियोज़ बनाए हैं, लेकिन फिर भी इस वीडियो में शॉर्ट में बताऊँगा, क्योंकि रिस्क मैट्रिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है हीरा कम्प्लीट करने के लिए। और लास्ट हमारा है फॉर्मेट ऑफ हीरा, हीरा का फॉर्मेट क्या होता है, इनमें क्या क्या टर्म्स होते हैं जो हमें मेंशन करना है फॉर्मेट में। तो ओवरऑल हम हीरा के बारे में जानेंगे, हीरा क्या है और इसको कैसे हम बनाते हैं, तो इस सब पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्या आप सेफ्टी इंजीनियरिंग के एक स्टूडेंट हैं या आप सेफ्टी से कोई कोर्स कर रहे हैं? अगर हाँ, तो आज मैं आपको बताऊँगी एक ऐसी एप्लीकेशन के बारे में जो आपके बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। तो गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और टाइप कीजिए HSE Notes। ये एप्लीकेशन आपको डाउनलोड कर लेनी है। यहाँ आपको मिलेंगी वो सारी बुक्स जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगी, जिनको आप ऑफलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं। सो वाई टू वेट फॉर, गो एंड डाउनलोड HSE Notes ऐप नाउ। तो हीरा एक शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म होता है हजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट, ये इसका पूरा नाम है, इसे हम शॉर्ट में हीरा बोलते हैं। तो आइए देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या है। पहले इसे हम इंग्लिश में देखेंगे, फिर मैं आपको हिंदी में समझाऊंगा। तो देखिए, आप हजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट इज अ प्रोसेस एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ आइडेंटिफाइंग हजार्ड्स, इवेल्युएशन ऑफ रिस्क एंड अप्लाइंग सुटेबल कंट्रोल मेजर्स टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ हार्म बाय हजार्ड्स एट वर्क प्लेस। यानी हीरा एक प्रोसेस है, एक डॉक्यूमेंटेशन वर्क है, जिसकी हेल्प से हम हजार्ड्स को आइडेंटिफाई करते हैं, यानी हजार्ड्स को पहचानते हैं, हजार्ड्स को ढूंढते हैं। जैसे वर्क साइट पे कोई भी काम चल रहा है उसमें क्या हजार्ड है उन्हें फाइंड करना। और नेक्स्ट है एवोल्यूशन ऑफ रिस्क, उस हजार्ड से हमें क्या खतरा है उसका आकलन करना, उनमें क्या रिस्क है उसका आकलन करना, और जो हमें हजार्ड से जो हमें रिस्क है उस वो किस लेवल का है इसके बारे में पता करना। और नेक्स्ट है अप्लाइंग सुटेबल कंट्रोल मेजर्स टू मिनिमाइज द रिस्क, यानी जो भी हजार्ड से हमें रिस्क है उसे हम कैसे कंट्रोल करें, क्या प्रिवेंशन मेजर्स अप्लाई करें, इसके बारे में जानना, और हजार्ड्स को कंट्रोल करना ही हीरा है। यानी ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि हीरा एक प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी हजार्ड्स को आइडेंटिफाई करते हैं, उनमें क्या रिस्क है उन्हें हम फाइंड करते हैं, और उसे कैसे कंट्रोल करना है उसके लिए कंट्रोल मेजर्स अप्लाई करते हैं। तो ये हो गया हमारा हीरा। अब आइए आगे देखते हैं स्टेप्स ऑफ हीरा। तो हीरा के टोटल 6 स्टेप्स होते हैं, यानी हीरा कंप्लीट करने के लिए हमें 6 स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, जिनमें सबसे पहला होता है प्रिपरेशन। तो इसमें हम एक टीम अरेंज करते हैं, जिस टीम में हमारे सेफ्टी इंजीनियर, साइट इंजीनियर और साइट सुपरवाइज़र इंक्लूड होते हैं। और सबसे पहले हम करते क्या है, टीम अरेंज करके जिस काम का भी हम हीरा करने जा रहे हैं, यानी हजार्ड आइडेंटिफिकेशन करने जा रहे हैं, उस काम का हम पहले कंप्लीट इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। मान लो जैसे एक्सकैवेशन के लिए हम हीरा करने जा रहे हैं, तो हमारा किस तरह का एक्सकैवेशन है, कहाँ पर एक्सकैवेशन होने वाला है, कौन कौन से उसमें टूल्स मशीनरीज यूज़ होने वाले हैं, इन सब के बारे में पहले हम जानते हैं, तब हम अगला स्टेप फॉलो करते हैं। टीम अरेंज करके जब हम इंफॉर्मेशन गैदर कर लेते हैं तो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है हजार्ड आइडेंटिफिकेशन। तो इसमें हम साइट पे जाते हैं और जो भी हमारा वर्क चल रहा है या वर्क चलने वाला है उसमें क्या हजार्ड है उसे हम फाइंड करते हैं, यानी खोजते हैं और उसे अलग अलग कैटेगरीज में बांटते हैं। जैसे मान लो कोई इलेक्ट्रिकल हजार्ड है, कोई फिजिकल हजार्ड है, तो जैसे जैसे कैटेगरीज होते हैं उनके हिसाब से उन्हें अलग अलग हम मेंशन करते हैं। हजार्ड्स को फाइंड करने के बाद हम रिस्क असेसमेंट करते हैं, यानी जो हमने हजार्ड फाइंड किया है, जो हमें हजार्ड मिला है उसमें हमारा रिस्क क्या है, रिस्क का लेवल क्या है, रिस्क मैट्रिक्स के हेल्प से इसे हम फाइंड करते हैं। हजार्ड्स को ढूंढने के बाद जब हम रिस्क असेसमेंट कर लेते हैं, यानी उसमें क्या रिस्क है ये हम फाइंड कर लेते हैं, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है प्लान कंट्रोल मेजर्स, यानी जो भी हम हजार्ड्स फाइंड किए हैं उसके लिए हम क्या कंट्रोल मेजर अप्लाई करेंगे, उनके जो रिस्क है उनमें मिनिमाइज करने के लिए क्या क्या हम प्लान करेंगे, तो ये हमारा आता है प्लान कंट्रोल मेजर्स में। अभी हम जितने भी रिकॉर्ड हमने किया है, जो भी फाइंडिंग्स किए,
इन सबको हमें रिकॉर्ड करना होगा एक फॉर्मेट में। तो फिफ्थ स्टेप आता है हमारा रिकॉर्ड एंड फाइंडिंग। अब नेक्स्ट स्टेप आता है जो कि हमारा लास्ट है, जो भी हमने रिकॉर्ड्स किए हैं, जो भी हमने इंस्पेक्शन किया, उन्हें हमें इम्प्लीमेंट करना है, यानी उन्हें हमें लागू करना है अपने वर्कसाइट पे। तो ये हमारा फाइनल स्टेप होता है। तो अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिस्क मैट्रिक्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आप रिस्क असेसमेंट करते हैं या हीरा करते हैं तो इसे कंप्लीट करने के लिए रिस्क मैट्रिक्स हमें जानना होगा। तो रिस्क मैट्रिक्स एक टेबल है जिसकी हेल्प से हम रिस्क लेवल कैलकुलेट करते हैं, यानी जो भी हमने हजार्ड आइडेंटिफाई किया है, जो भी हमें हजार्ड मिला है, उससे रिस्क हमारा कितना ज़्यादा है, कितना कम रिस्क है, इसके बारे में हमें रिस्क मैट्रिक्स से ही पता लगता है। तो इसके लिए मैंने पहले भी एक डिटेल में वीडियो बनाया था, अगर आपने वो नहीं देखा है तो देख लें, यहाँ पे मैं केवल शॉर्ट में डिस्कस करूँगा। तो देखिए, रिस्क कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, रिस्क इक्वल टू सेवरिटी इंटू प्रोबेबिलिटी। यानी जब हम सेवरिटी और प्रोबेबिलिटी दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें रिस्क का लेवल पता चलता है। तो अभी यहाँ पे ये कन्फ्यूजन होगा कि सेवरिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है, तो इसके बारे में अभी हम समझेंगे। तो सेवरिटी की हेल्प से हम ये समझते हैं कि जो भी हमारा हजार्ड है उससे हमें जो नुकसान होगा वो कितना ज़्यादा होगा, कितना कम होगा, यानी डिग्री ऑफ इम्पैक्ट क्या होगा, यानी जो हमें हजार्ड से हमारे ऊपर जो प्रभाव पड़ेगा वो कितना ज़्यादा होगा, कितना कम होगा, ये हम सेवरिटी की हेल्प से पता करते हैं, इसी से हम कैलकुलेट करते हैं। अभी सेकेंड है प्रोबेबिलिटी, तो इसका मतलब होता है चांस, जो भी हमारा हजार्ड है उससे कुछ नुकसान होने का चांस क्या है। तो ये दोनों टर्म है जिसकी हेल्प से हम रिस्क को कैलकुलेट करते हैं। अगर आप यहाँ पे नहीं समझ पा रहे हैं तो मेरी पिछली वीडियोज़ को देखिए, रिस्क मैट्रिक्स पे मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है, वहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे मैं मेनली हीरा पे फोकस करने वाला हूँ, इसलिए मैं इसे डिटेल में नहीं जाऊँगा। तो अभी आप वो वीडियो पहले देख लीजिए, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। अभी आप इस टेबल पर थोड़ा ध्यान दीजिए, ये रिस्क मैट्रिक्स टेबल है जिसकी हेल्प से हम रिस्क लेवल कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ आप देख पा रहे हो, एक साइड में सेवरिटी लिखा हुआ है और नीचे में प्रोबेबिलिटी लिखा हुआ है। इसको हम अलग अलग रेटिंग देते हैं, अलग अलग नंबरिंग से, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 लिखा है। तो यहाँ जब आप बॉटम से टॉप की तरफ जाते हैं तो हमारा सेवरिटी इंक्रीज होता है, और यहाँ अगर लेफ्ट से राइट जाते हैं तो हमारा प्रोबेबिलिटी इंक्रीज होता है। तो जैसे मान लो कोई वर्कर एक हाइट पर काम कर रहे हैं, जैसे मान लो 10 मीटर के हाइट पर कोई वर्कर काम कर रहे हैं, तो अगर यहाँ से वर्कर कोई नीचे गिरता है तो उसे चोट कितना ज़्यादा लगेगा। जैसे मान लो कोई 5 मीटर पे है, कोई 10 मीटर पे है, तो अगर 10 मीटर से गिरता है तो उसे चोट ज़्यादा लगेगा, यानी उसका प्रभाव ज़्यादा होगा उस हजार्ड का। तो इसके लिए हम रेटिंग दे सकते हैं, 5 दे सकते हैं, 4 दे सकते हैं, अकॉर्डिंग टू वर्क कंडीशन। अब जैसे मान लो कोई वर्कर 5 मीटर से गिरता है तो उसे चोट कम लगेगा, तो इसके लिए रेटिंग हम 3 और 2 दे सकते हैं, क्योंकि हाइट कम है। तो ये डिपेंड करता है कि जो हमारा हजार्ड है वो कितना खतरनाक है, उस समय कितना ज़्यादा नुकसान होगा, उसके अकॉर्डिंग हम रेटिंग दे सकते हैं सेवरिटी का। अब यहाँ पे बात करते हैं प्रोबेबिलिटी का। ये आपको बोरिंग लग रहा होगा लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अभी समझेंगे हम प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए अभी मैं 2 एग्जाम्पल्स लेता हूँ। तो यहाँ पे आपके सामने 2 स्काफोल्ड हैं, ठीक है, ये 2 स्काफोल्ड हो गए। जैसे मान लो ये 1 नंबर स्काफोल्ड है, ये 2 नंबर। तो जो हमारा फर्स्ट स्काफोल्ड है इसमें किसी भी तरह का प्रोटेक्शन नहीं दिया गया है, ना ही हार्ड रेल है, ना ही टॉप रेल है, ना ही मिड रेल है, और ना ही वर्कर्स को सेफ्टी बेल्ट, कोई भी पीपीज नहीं दिए गए हैं। तो इसमें चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं कि वर्कर्स गिर सकते हैं हाइट से, क्योंकि वहाँ पे किसी भी तरह का प्रोटेक्शन नहीं है। तो यहाँ पे चांसेस क्या है, काफ़ी ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे आप रेटिंग दे सकते हो 5 और 4, यानी जो हमारा प्रोबेबिलिटी होगा ये 4-5 हो सकता है। अभी आ जाओ एक सेकेंड स्काफोल्ड है, जहाँ पे टॉप रेल, मिड रेल, गार्ड रेल, जितने भी गार्डरेल्स होते हैं ये सारे दिए हुए हैं, और वर्कर उस पर काम कर रहा है लेकिन उसने सेफ्टी बेल्ट नहीं पहना है। तो वहाँ भी चांसेस हैं कि हमारा वर्कर गिरेगा, लेकिन इसके कंपेरिजन में कम चांसेस हैं, क्योंकि पहले स्काफोल्ड में कुछ भी प्रोटेक्शन नहीं था लेकिन सेकेंड में गार्डरेल्स दिए हुए हैं। तो यहाँ पे आप रेटिंग दे सकते हो 3। तो ये डिपेंड करता है कि हमारा हजार्ड्स के लिए हमने कितने प्रोटेक्शन दिए हुए हैं, अगर कम दिया है तो चांसेस भी हमारा ज़्यादा होगा। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी को। तो जब हम सेवरिटी और प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर लेंगे तब हम रिस्क का लेवल फाइंड कर सकते हैं। जैसे मान लो किसी वर्क में हमने देखा कि सेवरिटी 5 है और प्रोबेबिलिटी 4 है, तो अब जैसे जानते हैं रिस्क का फॉर्मूला होता है सेवरिटी इंटू प्रोबेबिलिटी, यानी दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये 5 और 4 कितना हो गया हमारा, 20 हो गया।
तो ये देख पा रहे हो 20। अब यहाँ पे आपको आना है नीचे चार्ट में, तो ये देखो 50 से अगर 20 के बीच में आपका लेवल आता है रिस्क का, तो ये वेरी हाई है, यानी रिस्क यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। अब वही मान लो कहीं आपका सेवरिटी 3 हो और प्रोबेबिलिटी 2 हो, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 6 होगा, यानी मॉडरेट है। तो जो हमारा रिस्क का लेवल है ये मॉडरेट है। अगर मान लो 2 आ रहा है सेवरिटी और प्रोबेबिलिटी 1 आ रहा है, तो हमारा ये हो जाएगा रिस्क लेवल 2, यानी लो है। तो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं कि हमारा रिस्क का लेवल क्या है, लो है, हाई है, वेरी हाई है, तो ऐसे हम फाइंड कर लेंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो पहला मैंने वीडियो बनाया था वो आप देख लो, वहाँ पे काफ़ी डिटेल में समझाया है। आई होप कि यहाँ भी आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अभी हम फॉर्मेट देखेंगे कैसे बनाते हैं उसे और क्या क्या उसमें मेंशन करते हैं। तो अभी आप देख पा रहे हैं ये हीरा का फॉर्मेट है, तो इसे मैंने आप लोगों के लिए बनाया है काफ़ी ईजी करके, ताकि आपको समझ में आए। तो ये आप अपने से ही बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ध्यान आपको ये देना है जो इम्पोर्टेंट इसमें टर्म्स हैं वो आपको मेंशन करना है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं। तो सबसे पहले आपका हो गया सीरियल नंबर, ये आपको मेंशन करना है। सेकंड है हजार्ड, यानी हजार्ड क्या है इसके बारे में आपको इसमें मेंशन करना है। कैटेगरीज ऑफ हजार्ड, जो हमारा हजार्ड है वो किस कैटेगरी में आ रहा है इसके बारे में मेंशन करना है। रिस्क, रिस्क हमारा हाई है, लो है, मीडियम है, इसके बारे में यहाँ मेंशन करना है आपको। नेक्स्ट है कंसिक्वेंस, यानी जो हमारा हजार्ड है उससे क्या हमें नुकसान है, ये हमें यहाँ मेंशन करना है। नेक्स्ट देखिएगा इसमें क्या है, प्री रिस्क इवेल्यूशन, यानी जब हम हजार्ड्स को फाइंड किए तो बिना कंट्रोल में जैसे अप्लाई किए, बिना किसी तरह का सेफ्टी प्रिकॉशंस लिए, उस समय उस रिस्क का लेवल क्या था, तो इसके बारे में यहाँ मेंशन करेंगे। नेक्स्ट है कंडीशन, यानी उस रिस्क का कंडीशन क्या है, काम में कंडीशन क्या है, नॉर्मल है, अबनॉर्मल है या इमरजेंसी है, ये सब मेंशन करेंगे। वैसे ये फॉर्मेट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल मेजर्स, यानी जो भी हमने हजार्ड्स फाइंड किए, रिस्क फाइंड किया, उसके लिए क्या हम कंट्रोल मेजर अप्लाई करेंगे, यहाँ पे इसे मेंशन करना है। और कंट्रोल मेजर अप्लाई करने के बाद रिस्क का लेवल क्या है, ये नेक्स्ट ये मेंशन करना है आपको। एक्शन बाय, यानी किसने एक्शन लिया, रिसिड्यूअल रिस्क यानी बचा हुआ रिस्क कितना है, लो हो गया है कि नहीं, ये सब देखना है। यहाँ पे सिग्नेचर हो गया और रिमार्क हो गया। तो ये फॉर्मेट है हीरा का। तो अभी हम एक एग्जाम्पल्स लेंगे एक्टिविटी का और समझेंगे कैसे कैसे इसे इसमें लिखना है। तो हमने एक्टिविटी लिया है आर्क वेल्डिंग का, तो इसके बारे में हम हीरा फॉर्मेट तैयार करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं हजार्ड। तो आर्क वेल्डिंग में क्या हजार्ड है आपको वर्कसाइट पे जाकर ढूंढना है। तो सबसे पहला हजार्ड हो सकता है फ्यूम्स, यानी जो वेल्डिंग करते समय जो फ्यूम रिलीज होता है वो एक हजार्ड है। अब यहाँ नेक्स्ट में आता है कि वह जो हजार्ड है वो किस कैटेगरी का है, फिजिकल है, केमिकल है, बायोलॉजिकल है, तो यहाँ पे आपको मेंशन करना है। जैसे फिजिकल है तो फिजिकल मैंने मेंशन कर दिया। अब देखना है रिस्क क्या है। तो मान लो अपने वर्क साइट पे गया, आपने देखा कि वर्कर विदाउट पीपीज का काम कर रहा है, तो वहाँ पर रिस्क हाई है, तो आपको हाई लिखना है। और कॉन्सिक्वेंस क्या, यानी उसे इफेक्ट क्या होने वाला है, तो रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकता है, तो यहाँ पर उसे आप मेंशन कर दीजिएगा। अभी आते हैं रिस्क लेवल में। रिस्क लेवल कैसे कैलकुलेट करना है मैंने पहले भी आपको बताया। तो यहाँ पे आपको देखना है कि सेवरिटी क्या है, उसके लिए रेटिंग आप क्या देंगे। मान लो मैंने 5 दिया, ये कम भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि किस तरह का हजार्ड है। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ पे आपने उसका रेटिंग दिया और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारा रिजल्ट आएगा ये हमारा रिस्क लेवल हो गया। अभी यहाँ पे देख लीजिए फ्यूम काफ़ी हजार्डस थिंग है, तो इसके लिए हम इमरजेंसी है, एबनॉर्मल है, नॉर्मल है, क्या है, तो यहाँ मान लो मैंने इमरजेंसी बोला, तो इसमें यस लिख देंगे हम। नेक्स्ट है कंट्रोल मेजर्स, तो इससे बचने के लिए हम क्या क्या करेंगे। तो हम प्रॉपर वेंटिलेशन दे सकते हैं, रिस्पायरेटरी पीपीज यूज़ कर सकते हैं, ताकि फ्यूम से हम बच सकें। अब जब हमने कंट्रोल मेजर अप्लाई कर दिया, तो उसके बाद रिस्क लेवल क्या हुआ, तो ऑफकोर्स ये मिनिमाइज होगा। जब तक हम रिस्क लेवल लो नहीं करेंगे, तो ये हमारा हीरा कंप्लीट नहीं होगा, हमें लो करना है। तो यहाँ पे मान लो सेवरिटी का लेवल 2 हो गया, प्रोबेबिलिटी भी 2 हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो गया। तो 4 हम जानते हैं जब रिस्क लेवल आता है तो ये लो होता है, तो यहाँ पे हमने लो मेंशन कर दिया। और यहाँ एक्शन किसने लिया, साइट इंजीनियर जो भी है वहाँ पे मेंशन कर देंगे, उसका यहाँ सिग्नेचर होगा। अगर आप रिमार्क कुछ एडिशनल बताना चाहते हो, जैसे कि मेंटेन गुड हाउसकीपिंग, यूज पीपीज, यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी भी एक हजार्ड है, क्योंकि उसे इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, तो ये किस कैटेगरी में आ रहा है, इलेक्ट्रिकल हजार्ड में आ रहा है, तो यहाँ हमने लिख दिया। अब काम के अनुसार देखेंगे ये रिस्क हाई है कि लो है, मॉडरेट है, तो मैंने जैसे मॉडरेट देखा तो मैंने मॉडरेट लिख दिया। तो इसका कंसिक्वेंस क्या है, इससे हमें क्या इफेक्ट पड़ सकता है, तो बर्न यानी कोई भी जल सकता है इलेक्ट्रिक शॉक लगने से।
किसी का फाटल एक्सीडेंट हो सकता है, नहीं डेथ भी हो सकता है। तो अभी यहाँ यहाँ देखेंगे रिस्क का लेवल क्या है। तो हमने अकॉर्डिंग टू वर्क देखा 4 और 3 है और कैलकुलेट किया तो रिस्क लेवल हमारा 12 आया। तो ये हमारा एबनॉर्मल है कंडीशन, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का उतना वहाँ हजार्ड नहीं है, क्योंकि हमने देखा कि केबल सारे सही हैं। तो यहाँ पे हम एबनॉर्मल में डाल दिए इसको, यस में। अब देख लीजिए यहाँ पे कंट्रोल मेजर्स क्या लेना है। तो इसमें आपको बता देना है कि जो भी डैमेज केबल है उसका हम यूज़ नहीं करेंगे। कंट्रोल मेजर्स लेने के बाद जो रिस्क हुआ इसको आपको कैलकुलेट करना है। तो ये सिंपल ऐसे ही इसे में परफॉर्म करना है। तो इसका फॉर्मेट और कंप्लीट आर्टिकल आपको नीचे मिल जाएगा वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप स्टडी कर सकते हो और फर्दर स्टडी के लिए आप अपने पास सेव भी रख सकते हो। तो मैंने इसके लिए काफ़ी मेहनत की आपको समझाने के लिए, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। क्या आप सेफ्टी इंजीनियरिंग के एक स्टूडेंट हैं या आप सेफ्टी से कोई कोर्स कर रहे हैं? अगर हाँ तो आज मैं आपको बताऊंगी एक ऐसी एप्लीकेशन के बारे में जो आपके बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। तो गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और टाइप कीजिए HSE Notes। ये एप्लीकेशन आपको डाउनलोड कर लेनी है। यहाँ आपको मिलेंगी वो सारी बुक्स जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगी, जिनको आप ऑफलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं। सो व्हाई टू वेट फॉर, गो एंड डाउनलोड HSE Note app now।